ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट लॉग पीरियोडिक डाइपोल एरे एंटीना। देखिए इसका जो ग्राफ है, हमने ये एंटीना किया था पीछे लास्ट टॉपिक में, तो इसका जो ग्राफ जो हम प्लॉट करेंगे, ये इनपुट इंपीडेंस जो कि जेड आई एम इनपुट इंपीडेंस, और या फिर कहें स्टैंडिंग वेव रेशियो होती है जो फीड लाइन की, और जो फ्रीक्वेंसी होती है, इनपुट इंपीडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में प्लॉट किया जाता है किसके, एक तो इनपुट इंपीडेंस या फिर स्टैंडिंग वेव रेशियो और लॉग ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसके बीच में प्लॉट किया जाता है इसका ग्राफ, जिसमें रिपीटिव वेरिएशंस होती हैं जो ऑब्जर्व की जाती हैं, और ये जो होता है ये ग्राफ लॉग ऑफ फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट होता है, ठीक है ना, जो इसको बनाया जाता है। तो ये देखिए जो इनपुट इंपीडेंस होगा वो जेड आई एम, इसमें आइडेंटिटिकल साइकिल्स होती हैं, और हर एक साइकिल एक अपनी पर्टिकुलर प्रिसीडिंग पे होती है, यानी एक साइकिल से प्रिसीड करती है, ठीक है, हर एक साइकिल क्या करती है, प्रिसीड करती है वन, ठीक है। और इसमें देखिए जो लॉग पीरियोडिक होता है, लॉग पीरियोडिक एंटीना होता है, इसमें जो इंपीडेंस होगा वो लॉगरिथमिक पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। और ये इसके साथ साथ ये सारी जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होंगी इसके पीरियोडिक वेरिएशंस के अकॉर्डिंग वो भी रिप्रेजेंट करेगा, उसका पैटर्न रिप्रेजेंट करता है, उसकी डायरेक्टिव गेन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, उसके साइड लोब्स लेवल बैंड विड्थ और बीम डायरेक्शन सब कुछ रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम यही किया था, ये क्या है, ई और एच के पैटर्न है, रेडिएशन पैटर्न, और ये एंटीना है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक्सटेंड करता है स्टार्टिंग से, यानी वर्टेक्स से, एंगल अल्फा से, यानी एक एंड यहाँ पे स्टार्ट करेगा, एंगल जो होगा वो अल्फा होगा एक एंड पे, और जो दूसरा एंड होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। तो दूसरा एंड कौन सा होगा, ये वाला जो कि इनफाइनाइट होगा, ये अल्फा से इनफाइनाइट तक जाएगा ये। तो इसमें जो एक्सटेंशन होती है फिजिकल पॉसिबल की, वो एक्सटेंशन नहीं होती, ये एक्सटेंड नहीं करता है फिजिकल पॉसिबल जीरो टू इनफाइनाइट तक, क्या करेगा, एक्सटेंड नहीं करेगा, और फ्रीक्वेंसी को भी इनफाइनाइट टू जीरो इसमें एक्सटेंशन नहीं होगी, और इसमें पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, साइज चाहिए होता है, इनफाइनाइट लार्ज माइक्रोस्कोपिक वर्टेक्स होता है इसका, वर्टेक्स पे एक फाइनेस होती है, ठीक है, ये सब कुछ की जरूरत होती है। और जब मैग्नीट्यूड होगा लॉगरिथमिक फ्रीक्वेंसी का, वो स्केलर फैक्टर से फाउंड किया जाता है, स्केलर फैक्टर कौन सा फैक्टर होता है, टाउ, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लॉग वन अपॉन टाउ से, या फिर वन अपॉन टू लॉग डॉट वन अपॉन टाउ से। इसमें टू कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा होंगे, जो इनपुट वेरिएशन होगी वो फ्रीक्वेंसीज एफ वन और एफ टू में होगी, यानी इन दोनों से रिलेटेड होगी, एफ वन और एफ टू से। तो इसे कैसे शो किया जाएगा, log f2 upon f1 जो is equal to होता है log 1 upon tau के, या फिर is equal, ये भी कह सकते हैं f2 upon f1 is equal to होगा 1 upon tau के। तो ये क्या है, इंडिकेट करता है प्रॉपर्टी को log periodic antenna में, जिसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी f पे, ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी होती है रिपीटेड होती है फ्रीक्वेंसी पे, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे tau raised to power m f से, या फिर f अपॉन टाउ रेज टू आवर n से। ये क्या है, ये n जो होता है वो इंटीजर होता है, जो प्रोवाइड करता है फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ लिमिट के साथ एंटीना में, n इंटीजर होगा। और इसके अलावा जो लॉग पीरियोडिक एंटीना है उसे जब ऑपरेट करते हैं एक पर्टिकुलर टेंडेंसी पे ऑपरेट होता है। देखिए ये जैसे ऐसे कि एंटीना है, ये सारा एंटीना एक साथ ऑपरेट नहीं होगा, एक साथ रेडिएट नहीं करेगा, ये कुछ इस एंटीना कुछ ही पोर्शन होता है जो रेडिएट करता है, और वो जो पोर्शन होता है उसे एक्टिव रीजन बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एक्टिव रीजन, जो पोर्शन रेडिएट होता है उसे एक्टिव रीजन बोलते हैं। और जो एक्टिव रीजन होगा
वो जो रीजन होगा इसमें डाइपोल की जो लेंथ होगी यानी कि एल जो होगा वो इज इक्वल टू होगा लैम्डा अपॉन टू के एक्टिव रीजन में. ये जो रीजन होता है ना ये वाला रीजन, ये एक्टिव रीजन होगा. इस रीजन को एक्टिव रीजन बोलते हैं. और एक्टिव रीजन जिसमें डाइपोल जो होगा इसका जो रेजोनेंट लेंथ होगी वो एल लैम्डा अपॉन टू होगी. ठीक है, एल इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टू के होगा, नियरली इक्वल. तो इसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी होगी जिसमें वो लॉन्गर और शॉर्टर डाइपोल के पास होगा. यानी या तो लॉन्गर डाइपोल के पास होगा या वो शॉर्टर डाइपोल के पास होगा. ठीक है ना, इसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगी लॉन्गर और शॉर्टर डाइपोल किसके नियर, जो उसकी हाफ वेव लेंथ होगी, उसकी रेजोनेंट लेंथ होगी उसके. तो जो एक्टिव रीजन होता है एंटीना का वो एपेक्स की तरफ होता है यानी शॉर्टर एलिमेंट की तरफ होता है हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, और मिडल में होगा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के लिए, और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए वो लॉन्ग की तरफ होगा. ठीक है ना, इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं. क्या कहते हैं, एक्टिव रीजन जो होगा वो क्या होगा, जो एंटीना है शॉर्ट एलिमेंट की तरफ, यानी अगर वो एपेक्स की तरफ होगा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, मिडल में इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के लिए, और लॉन्गर एलिमेंट पे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए होगा. ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि जो फेस होता है सेंटर में, सेंटर में जो फेस होगा एंटीना वो शिफ्ट होता है किससे, लॉन्गर एंड से शॉर्टर एंड की तरफ हो सकता है. जो फ्रीक्वेंसी लॉन्गर से शॉर्टर यानी कि मिनिमम टू मैक्सिमम चेंज होती है, या मैक्सिमम टू मिनिमम रेशियो भी हो सकती है जो इसकी बैंडविड्थ को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, तो ये इसके एक्टिव एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा. और जो रेडिएशन पैटर्न होगा लॉग पीरियोडिक एंटीना का, ये जो पैटर्न होगा ये यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है और बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, जो डिपेंड करता है इसके स्ट्रक्चर पे, एंटीना के स्ट्रक्चर पे. और जो इनपुट इंपीडेंस होगा वो डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस की, ट्रांसमिशन लाइन की, फीड एंटीना के कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस पे डिपेंड करेगा इनपुट इंपीडेंस. और अब देखते हैं इसके कुछ गेन. गेन जो होगा इसका, जो इस एंटीना का जो गेन होगा वो 7.5 डीबी से 12 डीबी के बीच में होगा, जो कि आइसोटॉपिक एंटीना के कंपैरिजन में लिया जाता है. और इसकी जो पर्टिकुलर बैंडविड्थ पाने के लिए, अगर हमें इसे पर्टिकुलर बैंडविड्थ चाहिए तो इसके लिए हमें अल्फा की हायर वैल्यू चाहिए होगी और टाओ की स्मॉल वैल्यू चाहिए होगी इसके डिजाइन के कॉम्पैक्ट में. और इसके अलावा ये अलग भी हो सकता है, स्मॉलर वैल्यू जो होती है हमारी अल्फा की और हायर वैल्यू टाओ की, ये करती है एंटीना की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है. लेकिन एंटीना की परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव होती है, इसके साथ साथ इसका साइज भी इंक्रीज करता है. ये इस तरह हम ये कह सकते हैं कि अगर गेन ज्यादा होगा, गेन की वैल्यू ज्यादा होगी तो जो इंपीडेंस है उसमें स्मॉल वेरिएशन आती है, इंपीडेंस में स्मॉल वेरिएशंस होंगे. और जो पैटर्न प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, जो भी हमारा ये एच और ई प्लेन पैटर्न प्रोड्यूस होते हैं स्ट्रक्चर के कॉस्ट के अकॉर्डिंग होगा, कॉस्ट ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होगा. इसके अलावा देखिए ये जो टाओ होता है, टाओ की जो वैल्यू होती है ये भी पर्टिकुलर वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू लाई करती है 0 to 1 इनके बीच में, 0 से 1 के बीच में. और जो इनपुट इंपीडेंस होगा वो क्या होगा, इसका जो इनपुट इंपीडेंस होता है वो 50 ओम से 200 ओम के बीच में लाए करता है. अब इसमें दो पैटर्न बन रहे हैं, एक तो है ई पैटर्न, दूसरा है एच पैटर्न. दो पैटर्न बन रहे हैं इसके एंटीना के अकॉर्डिंग, इसकी हमने वर्किंग हमने लास्ट टाइम की थी. ठीक है, इसके दो पैटर्न बन रहे हैं जो हमारे लॉग पीरियोडिक डाइपोल एंटीना के हैं. और ये जो हमने डायग्राम बनाया है इसके अकॉर्डिंग जो अल्फा है वो तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री, और जो टाओ है वो 0.8 है. टाओ 0 से 1 के बीच में होता है ना, और जो एन है वो 11 है, एन नंबर ऑफ इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा. और डायरेक्टिविटी जो होगी वो 6 डीबी या फिर 8 डीबी हो सकती है.
और इसकी जो बैंडविड्थ होगी वो 3 to 1 होगी. तो ये रिप्रेजेंट करता है ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो इंपीडेंस होगा जिसका ग्राफ इन चीजों पर डिपेंड करेगा, लॉग पीरियोडिक एंटीना या डाइपोल अरे एंटीना को. थैंक यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू.